जा रही हूँ मैं। अब आप लोग सोचोगे कि कहाँ जा रही है। जिन्होंने मिनी व्लॉग देख लिया होगा उन्हें तो पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्हें तो बताना पड़ेगा ना। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 3 जुलाई का दिन था, दोपहर के 4 बजे थे। मैं भी तैयार थी, इलू भी तैयार थी। अब हम निकल रहे हैं, लेकिन कहाँ के लिए? 3 जुलाई को पापा को गए, 6 महीने हो गए। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आम बांटूंगी और चाय का सामान बांटूंगी। तो बस इलू को अपनी कोचिंग जाना था, तो इलू कोचिंग के लिए रेडी थी और हमें जाना था आगे ये सब बांटने के लिए, तो मैं इसलिए रेडी हो गई थी। तो सबसे पहले इलू को कोचिंग छोड़ा। मौसम देख रहे हो ना, ख़राब सा ही है। इलू की कोचिंग काफ़ी दूर है, लेकिन मुझे ठीक लगी थी तो हमने इस बार यहाँ पे करवा दिया था। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इलू जाएगी अपनी कोचिंग और हम निकलेंगे आगे के लिए। बीच में थोड़ा सा सामान और लेना है, चाय का। आम तो पिछली रात ही मैं ले चुकी थी, बट चाय, दूध और चीनी लेनी थी, तो किसी नीडी फैमिली को मुझे देना था। ज़रूरतमंद लोगों को ही मैं ये सब चीज़ें देती हूँ। तो यहाँ पे एक शॉप पे रुके और यहाँ से चाय पत्ती, चीनी और दूध जो है वो ख़रीदा। फिर बढ़े आगे। मानसरोवर का ये मार्केट है, अब ये कौन सा मार्केट है मुझे नहीं पता है, कोई विजयपथ का ही है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन बहुत अच्छा मार्केट है यार। खूब कपड़े ही कपड़े, देख कर मन ललचा रहा था मेरा, तो रुक के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं ले ही लूँ। तो ये मार्केट में पहले भी मैं आ चुकी हूँ, इलू जब छोटी थी तो एक ड्रेस व्रेस लेने आया करते थे, तो उसके लिए मैं आती थी यहाँ पे। ज्योति वाली कोई शॉप है तो वहाँ पे, तो मार्केट देखना जैसे मुझे अच्छा लगता है तो मुझे दिखाना भी अच्छा लगता है। फिर मैं पहुँच गई ज़रूरतमंद लोगों को आम बांटने के लिए और चाय का सामान बांटने के लिए। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही शूट किया मैंने, ज़्यादा यहाँ पे मैं शूट नहीं करती और कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है यहाँ पर, हमें दो करके, तो शूट तो कर ही नहीं सकते। और फिर इलू भी नहीं थी, हम दोनों को बांटना होता है और इलू होती है, तो थोड़ा बहुत शूट कर भी देती हूँ। शूट इसलिए करती हूँ कि मुझे देख कर जो मुझे देखने वाले हैं वो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मोटिवेट होके कुछ उनकी हेल्प करें। घर वापस आई और चाय वाय पी थी बस, और ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई। ये बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था आज, तो भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी आज। इतनी बिजलियां गिरी है ना कि सच में बहुत डर लग रहा था। इलू अलग अपनी कोचिंग में फंसी हुई थी, ये अलग फंस गए थे अपने ऑफिस में थे। और बस यहाँ पे ये जो डॉग है छत पे रहता है, तो इसकी लाचार निगाहों ने मुझसे पनाह मांगी, मैंने दे दी। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना यार। तो बस मैंने इसको कमरे में डाला क्योंकि बहुत भयंकर वाला तूफान था, बिजलियाँ गिर रही थी और ये तो है ही यहाँ की महारानी। तो बस ये अपने सो जाती है, कभी बेड पे कभी नीचे, इसका तो यही चलता रहता है और पूरे घर को गंदा करती रहती है। तो बस मैंने जो है घर की सेटिंग शाम वाली स्टार्ट की। इतना घुट गया था मौसम कि रात सी लग रही थी, बट ऐसा था नहीं, समय इतना नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ना मैंने सारे घर की सेटिंग स्टार्ट की, बट मुझे बहुत डर लग रहा था कि इलू कैसे आएगी, क्योंकि वो ओला बाइक करके आती है। ये देखो इतनी मूसलाधार बारिश कि डोर गार्ड और कुछ भी काम नहीं कर रहे थे और घर के अंदर पानी आ जा रहा था, क्योंकि जो बौछार थी वो घर की साइड की ही थी इस बार बौछारें। और बाहर जाने में इतना डर कि बिजलियाँ कड़कड़ रही हैं, बिजलियाँ गिर रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इनको भी कॉल किए जा रही, इलू को भी मैसेज किए जा रही कि इलू कैब कर लेना, है ना, और इनको भी किए जा रही कि तुम्हें टाइम हो तो तुम लेने चले जाना, क्योंकि देखो डर लगता है, बच्ची है तो उसके साथ मुझे लगता है डर, क्योंकि दूर भी है काफ़ी और मौसम इतना ख़राब, सड़कें इतनी ख़राब, तो इसलिए डर लगा रहता है। तो बस कपड़े जो सूख गए थे वो समेट रही हूँ, लेकिन दिल मेरा किसी भी काम को करने में नहीं हो रहा था और शूटिंग करने का भी दिल नहीं हो रहा था। फिर भी क्योंकि व्लॉग स्टार्ट कर रखा था तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। तो ऐसे वक्त में ना कुछ भी करने का दिल नहीं होता है, तो बस बैठ गई थी टेंशन में और सोच रही थी कि इलू आएगी कैसे, क्योंकि कैब वाले और भी ना कैंसिल कर देते हैं ऐसे में, तो वही चल रहा था। हस्बैंड से भी बातचीत चल रही थी। फिर थोड़ी देर में खबर लगी कि हाँ पापा जो है उसके पहुँचने से पहले भी इलू के पापा बहुत भयंकर वाले जाम में फंस चुके थे, उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। फिर जब कोई खबर लगी कि हाँ उसके तक पहुँच जाएंगे, काफ़ी बच्चे हैं उसके साथ में फंसे हुए, तब जाके मैंने कहा चलो ठीक है। जब इलू पापा के साथ गाड़ी में बैठी तब जाके खाना बनाने का दिल हुआ, लेकिन तब तक मैं देर हो चुकी थी काफ़ी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो पाव भाजी खिचड़ी बना लेते हैं। तो कुछ किनी वाले मैंने चावल लिए हैं, 5 तरीके की दालें ले ली हैं, चना दाल, मूँग दाल, अरहर दाल, उड़द की दाल और हरी दाल भी मैं मिला लूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खिचड़ी होती है। घर में जो सब्जियाँ रखी थी वो सब निकाल ली हैं, बैंगन लिया है, आलू लिया है, घिया लिया है, पत्ता गोभी लिया है, हरी मिर्च लिया है, टमाटर लिया है। अब इन सब को चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, बिल्कुल छोटी छोटी चॉप हो जाएंगी, और जब खिचड़ी के साथ ये पकेंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं। और पाव भाजी मसाला और डाल के पाव भाजी खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इतनी सारी दालें खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं। तो ये वाली खिचड़ी तो मस्त मज़ेदार होती है। हमारे घर में अब नॉर्मल खिचड़ी खाई ही नहीं जाती है, जब भी बनती है तो यही बनती है। तो बस ये चॉप कर ली, और इलू के पापा और इलू को आने में भी काफ़ी टाइम लगा, तो सड़कें भी ना एक ही बारिश में धंसती जा रही थी। वो तो इलू के पापा और इलू जो है भगवान की दया से जो है बच गए, उनके आगे वाली गाड़ी ही बिल्कुल धस गई थी, एकदम से सड़क धसी और वो गाड़ी धस गई। तो चलो बना लेते हैं खिचड़ी, ये बातें तो चलती रहेंगी। घी डाला है, यहाँ पे मैंने राई डाली है, तेज पत्ता डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया क्योंकि आज मेरे पास प्याज नहीं था, तो मैंने कहा चलो इससे टेस्ट आ जाएगा। और फिर हल्दी डाल दी, और ये टमाटर जो मैंने अलग चॉप किए थे वो डाल दी। अब बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे कि मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि और पतली करूँगी मैं बाद में से। फिर ये पाव भाजी मसाला, मेन इसी से टेस्ट आएगा पाव भाजी का। तो फिर अमचूर भी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर जो जितनी भी सारी सब्जियां मैंने चॉप की थी वो डाल दी, उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर सारी मिक्स दाल वाली जो खिचड़ी का चावल और दाल मैंने भिगो रखे थे वो डाल दी, और बस इसे भी मिक्स कर लेंगे। और बस फिर पानी डाल के और बस कुकर में ढक्कन जो है वो लगा देना होता है, और जब ये पक जाती है तो बटर वटर डाल के और थोड़ा सा इसको पतला कर लो। क्या मस्त वाली लगती है यार, कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने कई बार इसकी रेसिपी दी है, लेकिन ट्राई करना, बहुत मस्त है ये। तो बस इसका ढक्कन लगा दिया है, सीटी लगा दी। आ गई है अब मेरी जान में जान। नहीं, आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। ये भी फंस गई, ये भी जाम में फंस गई, यहाँ मैं टेंशन में। तो आज कितना ही टाइम लग गया, कभी आ जाती आने को, तो है ना। अभी टाइम हो गया 9 बज रही हैं, अब जाके मेरी फेस पे स्माइल आई। इतनी भयंकर बिजलियाँ गिर रही हैं, इतनी भयंकर बिजलियाँ गिर रही हैं कि पूछो मत, इतनी मेरे को तो डर लग रहा है। तो ये भी आ गए, तो अब ये जा रहे नहीं वापस, तो अब टेंशन फ्री हूँ मैं। तो बस खिचड़ी हो चुकी थी, कुकर की सीटी जो है वो भाप निकलने में टाइम था, तो मैंने कहा तब तक मैं बर्तन कर लेते हैं और किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं स्लैब की, उसके बाद जो है ढक्कन खोलूँगी, थोड़ा सा बटर डालूँगी और थोड़ा सा पानी और डाल के उसको खूब पतला पतला कर लेंगे, और फिर खाने का जो मज़ा आता ना, इसमें कोई अचार की ज़रूरत नहीं होती है, कोई पापड़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई दही की ज़रूरत नहीं होती, इतनी टेस्टी खिचड़ी ये होती है और उतनी ही ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि ढेर सारी दालें हैं, चावल है, ढेर सारी सब्जियां हैं। तो व्लॉग इतना ही मैंने शूट किया क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, मूड ऐसा हो रहा था ना इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।